शिल्पा शेट्टी को भी टारगेट किया जा रहा है राज कुंद्रा की वजह से, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सही है? अब मैं इसमें थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि कभी कभी होता भी है ऐसा कि अपने परिवार में कोई बंदा किसी कोई गलत काम कर रहा है और हमें पता नहीं, ऐसा होता है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन इनका तो आपस में इतना अच्छा तारतम्यता है और सब चीज़ें थी, तो पता नहीं, अगर उसको नहीं पता है इसके पीछे का शिल्पकार सॉरी शिल्पकार कौन है ये अगर आपको नहीं पता है, तो आई डोंट नो कि ये राज क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर पता हो कहीं से अगर ये वो चीज़ें, तो क्या होता कि लोगों को लगता है कि यार चलना है चलने दो, इसकी हीरोइन पीछे हीरो हीरोइन है जो बोल्ड फिल्म में भी काम करते हैं, वो भी समझते हैं कि यार हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो फिर अभी जान छुड़ाते हैं, तो लेकिन मैं श्योर नहीं कह सकता कि इसमें शिल्पा का हाथ हो सकता, अगर है तो फिर एक बार मैं कहूँगा कि क्या करेंगे ऐसे लोगों, ऐसे पैसों का, ऐसे नाम का, कि जो आपको तो दो कौड़ी का करी देती है, समाज को भी आप, समाज के भी आप दोषी हो, मैं तो समझता ये एज गुड एज आतंकवाद है, ये होना ज़रूरी था, ये जो हुआ है ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि क्या है बड़े बड़े लोग चाहे वो वेब सीरीज में कहो चाहे वो छोटे जहाँ भी हो, वो सेंसर ना होने का फ़ायदा बहुत उठा रहे थे, ऐसे ऐसे वेब सीरीज बना रहे थे जो आप घर में नहीं देख सकते, जैसे मैं खासकर नाम लेना चाहूँगा, मैं बहुत नफरत करता हूँ इन तीन चार लोगों से, लाइक मनोज बाजपेयी कितना ही बड़ा एक्टर होगा, कितने ही बड़े अवार्ड रिवार्ड उसको, पर उससे ज़्यादा बदतमीज आदमी, उससे ज़्यादा गिरा हुआ आदमी मैंने नहीं देखा, कि दुनिया तुमको राष्ट्रपति अवार्ड दे रहे हैं, फला अवार्ड दे रहे हैं, और कर क्या रहे हो तुम फैमिली ऑडियंस के लिए, कर क्या रहे हो वेब सीरीज बना रहे हो, उसमें तुम ऐसी दुनिया बता रहे हो जहाँ बीवी का चक्कर कहीं और चल रहा है, तेरा कहीं और चल रहा है, माइनर बच्ची है वो कुछ और बॉयफ्रेंड की बात कर रही है, छोटा बेटा है वो कुछ अपने ये से ज़्यादा, तो ऐसी फैमिली होती है क्या ऐसे, अभी वो उसका सीजन रोक दिया कि अब देखें लोनावले में क्या हो रहा है, खंडाला में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यही सब हो रहा होगा और क्या, तुमने छोड़ा ही क्या होने के लिए, ठीक है, फिर वो मिर्ज़ापुर के जितने बदतमीज़ लोग हैं मैं उनको बहुत नफरत करता हूँ, ऐसे तो ये सारी चीज़ें जो है ना बंद होनी चाहिए, तो ऐसी सारी चीज़ें जो समाज को समझ में नहीं आती और समाज से परे होती है, वो समझ से परे होती है, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जिसकी शुरुआत हुई है, इसको मैं देश के कानून को, पुलिस को और जिन्होंने खासकर मीडिया वालों को बहुत बधाई देता हूँ, होना ही चाहिए, जितने ऐसे गोरख धंधे चल रहे हैं, जितने ऐसे बड़े क्या बोलते हैं बड़े चेहरे और छोटा काम कर रहे हैं, नाम बड़ा और दर्शन छोटे कर रहे हैं, है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबको सबक सिखाना चाहिए, ताकि अच्छे कलाकार अच्छी कलाकृति, यार अच्छे थिएटर अच्छी फिल्म को थिएटर नहीं मिलते, ये बदमाशी कर रहे हैं लोग। क्या आप भी हैं लॉकडाउन और बेरोजगारी से परेशान? तो घबराएं नहीं, इस लॉकडाउन और बेरोजगारी में भी आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है इजी कैश पॉइंट। इजी कैश पॉइंट मौका दे रहा है बहुत ही कम खर्च में CSP यानी ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का मौका। CSP खोलकर आप कमा सकते हैं 10 से 20 हजार रुपए प्रति महीना। मनी ट्रांसफर, आधार कार्ड से पैसे निकलवाने की सुविधा, सभी कंपनियों के मोबाइल व DTH रिचार्ज, बिल पेमेंट, पैन कार्ड जैसी सुविधाएं और सभी ट्रांजैक्शन पर पाएं तुरंत कमीशन। आज ही CSP ID लेने के लिए और CSP संबंधित जानकारी पाने के लिए संपर्क करें 9162571443 पर।